वेलकम टू एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स लेक्चर नंबर 4। टुडे वी इंट्रोडक्शन ऑफ कोडलर वेबसाइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइसल मुतीबा से एंड वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम कोडलर वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे एप्लीकेशन बनती हैं, क्या कुछ है, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो ये आपने इस वीडियो को फुली वॉच करते जाना है। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट है, तो जो न्यू व्यूअर्स आए हैं वो इस कोर्स को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो अपनी खुद की एंड्रॉयड ऐप को क्रिएट करके। तो आई होप कि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जितनी भी इस कोर्स की लेटेस्ट वीडियोज़ हों वो आपको मिल सके आपके अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सिंपली मैंने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर लिखा हुआ है codler.io। सिंपल इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आपने वहाँ से जाके इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्रिएट ऐप्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इनका साइन इन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कोडलर के अंदर साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा कोडलर के अंदर। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपने सिंपल अपने जीमेल अकाउंट देना है और जीमेल अकाउंट देने के बाद अपना नेम और उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपने वेरीफाई करने के बाद इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। सिंपली मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट और इंपोर्ट प्रोजेक्ट। सिंपल हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए हम क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नेम भी देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दे दिया वॉलपेपर ऐप के नेम से अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया है सिंपली, और इसको मैं रिमूव करता हूँ और वॉलपेपर के नेम से दे दिया और यहाँ पर साथ लिख देता हूँ वॉलपेपर ऐप, यह भी साथ लिख दिया और उसके बाद नेक्स्ट किया। और यहाँ पर हमें थीम्स का कह रहा है, आप थीम्स कौन कौन से यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लाइट थीम और डार्क थीम, या डार्क मोड या लाइट मोड, आप दोनों में से कोई जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद है मिनिमम SDK। अब SDK जो जिनको एंड्रॉयड स्टूडियो का थोड़ा सा इलम है उनको पता चल जाएगा कि ये SDK क्या होता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन किन किन एंड्रॉयड वर्जन्स के अंदर चलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे वर्जन हैं, आपके पास यहाँ पर जो भी SDK ऑलरेडी यहाँ पर पहले से आ रहा है उसी को रहने दें, डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। 4.4 से अबव जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनके ऊपर ये हमारी एप्लीकेशन रन करेगी, और इनसे पुराने मोबाइल्स तो अब मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर पैकेज नेम देना है। अब पैकेज नेम क्या होता है, पैकेज नेम आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं com.mia. और उसके बाद अपनी जो सी ऐप का नेम दे देते हैं वॉलपेपर ऐप, साथ लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ भी सेट नहीं करेंगे, उसके बाद फिनिश कर देंगे। और जैसे ही फिनिश करेंगे उसके बाद यहाँ पर कह रहा है गेटिंग थिंग्स रेडी, तो हमारे कुछ चीज़ें जो सी वो रेडी हो रही हैं। जैसे ही ये रेडी हो जाती हैं उसके बाद हम इनके नेक्स्ट इंटरफेस पे जाएंगे, हमें पता चलेगा कि हम कैसे सारा कुछ इसके अंदर वर्किंग करेंगे। आपको हर हर एक पॉइंट जो सा वो यहाँ पर शो करवाने वाला। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट्स न्यू इन कोडलर, सी व्हाट्स चेंज इन कोडलर, तो उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ कि अब हमने क्या करना है। सिंपल यहाँ पर हमारी डिवाइस लगी हुई है Google Pixel 3, यहाँ से तो हम अपनी डिवाइस को भी चेंज कर सकते हैं, जिस कंपनी की आपकी डिवाइस है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है जी, सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट में हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे देखने को, टेस्ट के अंदर हमें टेस्ट मोड नज़र आएगा, एक्सपोर्ट के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे यानी कि APK फाइल बन जाएगी। उसके बाद हमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जी हमारी ऐप का नेम वॉलपेपर ऐप, ठीक हो गया, इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन वन यानी कि हमारी एक स्क्रीन लगी हुई है, हम यहाँ से ज़्यादा जितनी स्क्रीन्स बनाते जाएंगे
उतने, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर एक पेज, दो पेज, तीन पेज, जैसे कि एक होम का पेज होता है, एक न्यूज़ का होता है, एक अबाउट का पेज होता है, इस तरह उसको हम पेजेस कहते हैं। इस तरह अगर हम एक स्क्रीन बनाते हैं, होम की बना ली, दूसरी हमने किसी और चीज़ की बना ली, तीसरी उस किसी और चीज़, उसको हम स्क्रीन कहते हैं ऐप डेवलपमेंट के अंदर। ये आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद ऐड स्क्रीन, जब हम एक स्क्रीन तो ऑलरेडी हमारे पास है, जब हम दूसरी स्क्रीन ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे और दूसरी स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन टू, और उसके बाद क्रिएट कर लिया, यहाँ पर स्क्रीन टू चुकी है। और यहां से स्क्रीन वन और स्क्रीन टू जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी भी कर सकते हैं स्क्रीन को, जैसे कि यहां पर मैंने स्क्रीन टू को सिलेक्ट किया और यहां से मैं रिमूव अब इसको करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी स्क्रीन टू मेरी, क्योंकि यहां से डिलीट हो जाएगी। सिंपल डिलीट द स्क्रीन विल कंप्लीट रिमूव द प्रोजेक्ट का कह रहा है, तो सिंपल ये प्रोजेक्ट जो है मेरा डिलीट हो जाएगी वो स्क्रीन के ऊपर जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया होगा। उसके बाद हमारे पास जो उनसे लेफ़्ट साइड पे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को देखकर आपने परेशान नहीं होना। इन टैबलेट्स के अंदर यूज़र इंटरफेस के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, हमें बटन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस के अंदर बटन्स होते हैं, नेक्स्ट का, डाउनलोड का, कुछ इस तरह के जो से बटन्स होते हैं वो हम यहाँ से लगाएंगे। उसके बाद चेकबॉक्स क्या होता है, जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मिलती हैं, तो उनको हमने चेक करना होता है, टिक करना होता है, फिर ही हम नेक्स्ट जाते हैं, ओके करते हैं, तो इस तरह हम चेकबॉक्स लगा सकते हैं। उसके बाद सर्कुलर प्रोग्रेस, ये अभी तक आपके कोई भी काम का नहीं है, ना कस्टम प्रोग्रेस, ये हमारे काम का है। उसके बाद डेट पिकर, हम डेट लगा सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर कि ये एप्लीकेशन कब ओपन हो, ये भी इसके बगैर, ये हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होती है। कोडिंग जब हम करेंगे, प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे, तब आपको हर चीज़ जो उसी समझ आ जाएगी। उसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन भी होता है। उसके बाद इमेज हम कोई भी लगा सकते हैं, उसके बाद लेबल लगा सकते हैं हम कोई भी, और उसके बाद हम नीचे अगर जाएँ तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन। यहाँ पर हमें नोटिफाई लगा सकते हैं, जैसे कि हमें कोई भी एप्लीकेशन बनाई होती है उसका अक्सर ही हमें नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता रहता है, तो इस तरह हम नोटिफिकेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रेडियो बटन, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रेटिंग बार, यानी कि अगर किसी भी एप्लीकेशन को जब हम बंद करने लगते हैं तो रेटिंग बार आ जाती है कि इसको रेटिंग दें, प्ले स्टोर पर जा वो डायरेक्ट हमें ले जाता है, तो वहाँ पर जाकर हम रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद स्लाइडर बार, हम स्लाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट, मूव, आगे, पीछे, वो सारा कुछ करने के लिए हम बटन लगा सकते हैं। इसी तरह और भी यहाँ पर बहुत सारे बटन हैं जो कि आपको अभी समझ नहीं आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम एप्लीकेशन बनाएंगे तब तब आपको वैसे वैसे समझ आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा। ये हम फजूल सी कोई वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करने वाले, एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट। उसके बाद लेआउट आ जाता है, लेआउट में जनरल, लिस्ट, नेविगेशन, व्यूज़। उसके बाद मीडिया आ जाता है, मीडियाज़ के अंदर हम ड्राइंग एंड एनिमेशन लगा सकते हैं, मैप्स लगा सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम जो है मीडिया के अंदर क्या कुछ लगाएंगे, ऑडियो पिकर, उसके बाद कैमकॉर्डर लगा सकते हैं, कैमरे की बना सकते हैं, इमेज पिकर लगा सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे हम जो है यहाँ पर प्लेयर्स वाले एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग एंड एनिमेशंस के अंदर हम बॉल्स लगा सकते हैं, इमेज एडिटर, उसके बाद इमेज स्प्राइट, इस तरह बहुत सारे हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर सेंसर्स के अंदर जाएं तो सेंसर के अंदर हमें एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिलता है, बारकोड स्कैनर की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, क्लॉक लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, ग्रेविटी सेंसर लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, लाइट सेंसर, इस तरह बहुत सारे सेंसर्स लगा सकते हैं। सोशल्स के अंदर अगर आ जाएँ तो सोशल के अंदर हमारी एप्लीकेशंस के अंदर अक्सर लगा होता है, कॉन्टैक्ट का भी बना होता है किसी एप्लीकेशंस के अंदर, पेज स्क्रीन बनी होती है, एक ईमेल, फ़ोन कॉल अगर करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर पिकर, उसके बाद पुश नोटिफिकेशन, शेयरिंग का आप जो से बटन ऐड कर सकते हैं, टेक्स्टिंग का, ट्विटर का, ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज में आ जाता है, आप स्टोरेज ऐड कर सकते हैं, ये अभी हम जो से इसको नहीं देखने वाले। उसके बाद यूटिलिटीज़ में आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हम लगाएंगे अपनी एप्लीकेशन को जो से डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद हम नीचे करते हैं स्क्रॉल, और यहाँ पर हम जो से यहाँ पर बटन ऐड करेंगे, डायनामेटिक बटन, या नेक्स्ट करने के लिए, बैक करने के लिए, उसके बाद रिमूव करने के लिए। उसके बाद कनेक्टिविटी में हम यहाँ पर लगा सकते हैं ब्लूटूथ हेडमन, ब्लूटूथ क्लाइंट, डाउनलोड वाला बटन, इस तरह नेटवर्क्स वगैरह को ऐड हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, नीचे करते हैं और यहाँ पर गूगल मोनिटाइजेशन। यहाँ पर मोनिटाइजेशन में हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एड मोड बैनर लगा सकते हैं, एड मोड की इंटरशियल ऐड लगा सकते हैं, रिवार्डेड ऐड लगा सकते हैं, यानी कि वीडियो ऐड लगा सकते हैं, बैनर ऐड लगा सकते हैं, और वैसे एक पिक वाली ऐड भी आती होती है वो भी लगा सकते हैं। इस तरह बहुत सारी एड्स हम लगा सकते हैं, फेसबुक की एड्स भी हम लगा सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह हम एड्स के ऊपर यहाँ पर इसके अंदर काम करने वाले हैं।
तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे स्क्रीन्स के बारे में, यहाँ पर बटन्स वगैरह जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाए, इसके बारे में आप परेशान ना हो। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में जाते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई भी बटन यहाँ पर लगाते हैं, तो अब ये बटन हमने लगा दिया। सिंपली यहाँ पर मैं शो करवाता हूँ आपको स्क्रीन, यहाँ पर बटन आ चुका है। अब ये बटन जो सा हमारा लगा है, इसका हम जो सा ये सारा कुछ यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो बटन्स का कलर चेंज कर सकते हैं, और इस तरह इसके जो से सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कट बट कॉपी बटन, इस बटन को हम कॉपी भी कर सकते हैं, और इसको जो सा हम यहाँ का इसका साइज़ वगैरह इसको ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर जितना आपको इसका साइज़ चाहिए वो सारा कुछ आप जो सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से जाकर आप इसका साइज़ और इसकी हर चीज़ यहाँ पर ये देख सकते हैं। टेक्स्ट बटन फॉर बटन वन, इसका नेम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डाउनलोड, तो सिंपल यहाँ पर डाउनलोड लिखा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर और भी हम चेंजिंग वगैरह जो उसी वो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड लिखा आ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट के अंदर हम जो से इसको सेंटर वन में कर देते हैं, तो ये सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी शेप वगैरह को राउंडेड करना चाहते हैं, ये देख सकते हैं कि राउंडेड हो चुकी है। और उसके बाद हम इसकी जो से यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हैं, तो फिल पेरेंट्स विड्थ हो चुकी है। उसके बाद हाइट अगर करना चाहते हैं, फुली हाइट हो चुकी है, और इसको मिनिमम भी कर सकते हैं अगर फुल स्क्रीन के ऊपर लगाना चाहते हैं तब भी। तो ये देख सकते हैं हमारा बटन ऐड हो चुका है। कुछ इस तरह हम एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाते हैं ब्लॉक्स। जैसे हम ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, कोडिंग नहीं करने वाले कुछ, यानी कि ऐसे टेम्पलेट्स उठाकर लगाने वाले हैं। तो वो भी जैसे हम एप्लीकेशन के अंदर मैंने शुरू में बता दिया कि कुछ जिस तरह हमने बटन वगैरह लगाने, इसी तरह यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें लगानी है, ब्लॉक्स वगैरह लगाने, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आई होप कि इसका ओवरव्यू आपको समझ आ चुका होगा कि ये कैसे वर्क करती है और क्या कुछ हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखना। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।